लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। जूनियर ओवैसी ने राज ठाकरे पर निशाना साधा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे को बेघर करार दिया। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा क्या गलती है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं, तू तो गुमराह है, तेरा क्या जवाब दूं, तू तो नाखलक है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब। दरअसल AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा। जूनियर ओवैसी ने राज ठाकरे का नाम तो नहीं लिया लेकिन काफी कुछ बोल गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो किसी का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तुम्हारी औकात नहीं कि मैं जवाब दूँ, मेरा तो एक सांसद है और तुम तो बेघर हो, तुम लापता हो, तुम्हें घर से बेदखल किया गया। इसके अलावा भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने काफी कुछ विवादित बोल डाला। आएगा हर एक का जवाल आता आएगा। खुदा रा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भोंकता है भोंकने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोंकता है भोंकने दो, कुत्तों का काम भोंकने, शेरों का काम खामोश चला जाना, बस भोंकने दो, जरूरत नहीं। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं, खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको, इनसे उनको मालूम, अरे कुछ भी नहीं बोल, अरे TRP नहीं मिलती कुछ भी नहीं बोल, अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं बोल, ये मेरा अंदाज है हंसने का, ये ऐसा अंदाज लगाओ क्या डर गए हो, क्या परेशान हो, क्या तुम हो,